समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय तय कर देगा कि आपका करना क्या है। नमस्कार, वेलकम टू एडिट्री। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमने समय पे डिसीजन और सही डिसीजन नहीं लिया तो हमें कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या है, मैं शेयर मार्केट में डील करता हूँ, मैं शेयर मार्केट के लोगों को गाइड करता हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग ये डिसीजन ही नहीं ले पाते कि कब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कितना हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और जो इन्वेस्ट करते हैं वो अगले ही दिन झुनझुनवाला बन जाना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि वॉरेन बफेट 70 साल की उम्र के बाद जाके बने और झुनझुनवाला जो है 65 साल की उम्र के बाद जाकर बने हैं। जब उन्होंने 65 साल तक अपने लाइफ में वैसे धीरे 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 कंसिस्टेंसी देखा है, 20% 22% 25% का CAGR लिया है, तो वो झुनझुनवाला बने हैं और वो वॉरेन बफेट बने हैं। गूगल करके देखिएगा वॉरेन बफेट को, क्या उनका पैसा हर साल डबल होता रहता है? नहीं होता रहता, लेकिन वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस थी, उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि मुझे कुछ करना है। हम क्या करते हैं, आते हैं शेयर में पैसा लगाया, निस्ले जैसे स्टॉक में पैसा लगाया, HUL जैसे स्टॉक में पैसा लगाया, बजाज फिनसर्व में पैसा लगाया, बजाज फाइनेंस में पैसा लगाया, और हम चाहते हैं हमारा पैसा डबल हो जाए। वो अगर स्टॉक 4 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 200 रुपये टूटता है, हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम ऐसे दुखी होंगे, हम शेयर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट में रहना है तो आपको ये जानना पड़ेगा, शेयर मार्केट पेशेंस का खेल है, और शेयर मार्केट ही नहीं पूरी दुनिया पेशेंस का खेल है, पूरा करियर पेशेंस का खेल है। अगर आप पेशेंस के साथ सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेंगे तो समय तय कर देगा कि आपको करना क्या है। किसी ने विद्वान ने कहा था, आप गरीब जन्मे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप गरीब मर जाते हैं, पूरी तरह आप गलत हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। समय के लिए रोना कि नहीं सिचुएशन ऐसी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऐसी है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, परिवार ऐसा है, समाज ऐसा है, ये सब केवल और केवल असफल लोगों के विचार होते हैं। सफल लोग जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और आपको रास्ता अगर सब कुछ सामान्य हो तब तो सब सफल हो जाए, असामान्य परिस्थितियों में ही आगे बढ़ जाना, यही सफल व्यक्ति का पहचान होती है, यही सफल व्यक्ति की पहचान होती है। APJ अब्दुल कलाम को देखो, अटल बिहारी वाजपेयी को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी परिस्थितियाँ क्या थी। क्या वो राजा के घर में जन्मे थे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा, आपको अपना टाइम को सही समय पे सही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ये ऐसा रिसोर्स है जो सबको इक्वल मिला। राजा के घर में जन्मे या आप किसी रंग के घर में जन्मे, सबके पास इक्वल टाइम है, वही 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में सुनील त्रिपाठी निबी गांव से गुड़गांव आ गया, और गुड़गांव से कहां चला जाएगा पता नहीं, जो निबी गांव में है वो निबी गांव में रह गए, और जो XYZ गांव में है वो वहीं रह जाएंगे। आपको सोचना है कि आपके पड़ोसी के साथ आपको रोज झगड़ा करना है, किसने आपका खेत ले लिया, किसने आपके टायर पंचर कर दिए, किसने आपके गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, कौन किसने पेड़ काट दिए, ये चीजें सोचनी है या आगे बढ़ना है, ये डिसीजन आपको लेना है। जितनी जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे उतना अच्छा होगा। मैं बता रहा हूं, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, गुड़गांव जैसे, मुंबई जैसे शहरों में, पुणे जैसे शहरों में पैसे फेंके हुए हैं, बस उस पैसे को आपको लूटना आना चाहिए। आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि जो पैसे मार्केट में हैं उस पैसे को कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप एक्वायर कर लेंगे, मैं आपको बताता हूं, 30 साल 35 साल 40 साल में आके बाद आप जो है पैसे के लिए कमाना छोड़ देंगे। लोग आपको पैसा देंगे, दिन भर में लोग आते हैं, सर ये काम कर दो, सर मेरे को ये क्लास दे दो, सर मेरे को ये गाइडेंस दे दो, ये मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर दो, मेरे स्कूल में वर्कशॉप ले लो, मेरे बच्चे की काउंसलिंग कर दो। हर चीज के लिए पैसा देने को तैयार है। आपको सोचना है कि आप कितना पैसा ले सकते हैं, कितना आप टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम आप फैमिली को देना चाहते हैं, कितना टाइम आप अपने डेवलपमेंट में देना चाहते हैं, और कितना टाइम आप पैसा कमाने के लिए देना चाहते हैं। नो डाउट पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पूरा समय अगर आप पैसा कमाने पे दे देंगे,
पूरा समय आप पैसा कमाने के बदले देंगे तो जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे रह जाएंगे। प्लीज अपने टाइम में से कुछ समय अपने डेवलपमेंट के लिए निकालिए। आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप नई ट्रेनिंग्स क्या ले रहे हैं, आप नए कोर्सेज क्या कर रहे हैं, आपका अगले 5 साल के बाद आप कहां पहुंचने वाले हैं उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं, क्या उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप दे रहे हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि कल को आप राजा बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बन सकते। प्लीज आपको फैमिली देखनी है, आपको अपना करंट करियर देखना है और आपको अपना फ्यूचर देखना है। फ्यूचर देखना है, फ्यूचर तभी देख पाएंगे जब आप फ्यूचर के लिए टाइम देंगे। अगर ये कहेंगे नहीं टाइम तो है ही नहीं, टेंशन इतना है, प्रोजेक्ट इतना है, बॉस का प्रेशर है, ये सारी चीजें सबकी जिंदगी में है, सबके जिंदगी में है, इसमें केवल और केवल एक चीज की कमी है, आप डिटरमिंड नहीं है, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और ये चीजें केवल आपको एक एक्सक्यूज प्रोवाइड करती हैं, ये एक्सक्यूज है आपकी असफलता का, जिसके जिम्मेदार केवल आप हैं। धन्यवाद।